नमस्कार प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वैसे तो देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण दिन इसलिए है, इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि आज 386 केस जो नए सामने आए हैं अपने आप पे बड़ी संख्या है। और ये संख्या दी है जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे लोग, उन्होंने। अब आंकड़े देखिए, तमिलनाडु में 110 लोगों जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं वो इस तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दिल्ली में जो 152 नए केस आए हैं उसमें से 53 लोग इस तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ऐसे ही आप चाहे आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, अन्य राज्यों में देख लीजिए, अब तो बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे राज्यों से रिपोर्टें आ रही हैं। पता लग रहा है कि कितने लोग इस जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तमिलनाडु में तो सरकार की पहल पर 1103 लोग खुद सामने आए कि हाँ हम इस कार्यक्रम में गए थे, उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है या और अन्य निगरानी की जा रही है, जांच की जा रही है। ऐसे ही पूरे देश में अगर देखें तो एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कौन कौन इस जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था, अब वो लोग किन किन लोगों से मिल लिए हैं, कि जो कॉल डिटेल्स निकाली जा रही है कि इस 2-3 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर किन किन लोगों से मिले हैं, उनकी भी निगरानी की जाएगी। सोचिए आप लोग, इन लोगों ने कितना भार ढाल दिया है हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उस पर, हमारी सरकार की जो कोशिश थी उसको विफल कराने की कितनी बड़ी साजिश कर दी थी इन लोगों ने। और ये जो बार बार कह रहे थे दिल्ली पुलिस के कहने पर कि नहीं नहीं हमारे तो मरकज में सिर्फ 1000 लोग ही हैं और वो लॉकडाउन अगर खुल जाता है तो चले जाएंगे, आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि 2700 लोग वहां से निकाले गए, लगभग 3000 लोग वहां पर जमा कर रखे थे। और जो वीडियो सामने आए हैं उस मरकज के, किस तरीके से सब एक दूसरे से सटे हुए वहां पर रह रहे थे, कोई भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको या जो लॉकडाउन के नियम है या जो भी हमारा अभी सरकार जो सुझाव दे रही है, एक भी नियम इन लोगों ने माना नहीं था। एक पूरा षड्यंत्र करके जिस तरीके से आप देखिए कि जगह जगह से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि बहुत बड़ी एक साजिश ही इसको कहा जाएगा। क्योंकि बार बार सरकार ने कहा था कि आप इस तरीके के आयोजन मत करिए, धार्मिक आयोजन मत करिए, पुलिस बार बार कहती रही लेकिन ये लोग मानने को राजी नहीं थे। अब ये जो तबलीगी जमात है इसके आतंकी कनेक्शन भी हैं, इसीलिए हम बार बार आपको आतंकी साजिश होने की संभावना भी व्यक्त कर रहे हैं। ये आतंकी साजिश और आतंकी कनेक्शन की बात हम नहीं कह रहे हैं, एक प्रख्यात न्यूज एजेंसी IANS ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये बात कही है। और वो रिपोर्ट ये कहती है कि तबलीगी जमात के कई सदस्य आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तबलीगी जमात की शाखाएं भारत के खिलाफ जिहाद और आतंकवाद फैलाने में शामिल रही हैं। अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमले में शामिल अलकायदा के कुछ आतंकियों के भी तबलीगी जमात से लिंक मिले हैं। IANS की रिपोर्ट में भारतीय जांचकर्ताओं और पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषकों के हवाले से बताया गया है कि हरकत उल मुजाहिदीन का असली संस्थापक भी तबलीगी जमात का सदस्य था। इसी आतंकी संगठन ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण किया था। 80-90 के दशक में जमात से जुड़े 6000 से ज्यादा सदस्यों ने पाकिस्तान में हरकत उल मुजाहिदीन के कैंपों में आतंकी ट्रेनिंग ली थी, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान से सोवियत फोर्सेज को भगाना था। अब आप ये मौलाना साहब को देखिए, मौलाना साहब बार बार अपील कर रहा था मुसलमानों से कि आप तो मस्जिद में ही रहिए, यहाँ यही सबसे अच्छी जगह है, मृत्यु के लिए अगर मृत्यु की बात आ भी रही है तो महामारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, फरिश्ते आकर आपको बचाएंगे। और ये मौलाना साहब जो सबको रुकने की अपील कर रहा था, ये खुद भागा भागा फिर रहा है, पुलिस इसकी पीछे पड़ी हुई है, इसको जगह जगह ढूंढ रही है क्योंकि FIR इनके सहित 7 लोगों पर हो चुकी है। मौलाना साहब आपको कानून का सम्मान करना चाहिए, आपको सामने पेश होकर जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए, और जो इतने लोगों में आपने कोरोना वायरस फैलाया है अपने इस आयोजन के जरिए उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और फिलहाल अगर हम इस जो खबर है मरकज से थोड़ा सा हटकर आपको कोरोना से संबंधित अन्य खबरों की ओर ले चलें, तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय बोला जाने वाला और सर्च किया जाने वाला शब्द बन चुका है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस शब्द पर बैन लगा दिया है, आप वहाँ पर इसको बोल नहीं सकते हैं, मास्क नहीं पहन सकते हैं। दरअसल तुर्कमेनिस्तान ने अभी कोरोना वायरस के खौफ से बचा हुआ है, ऐसा वहाँ की सरकार कहती है कि अब तक इससे संबंधित कोई मामला आया नहीं है। तो तुर्कमेनिस्तान में आप जो सरकार है वहाँ की, उसने पब्लिक के बीच में भी अपने कुछ एजेंट छोड़े हुए हैं जो पब्लिक स्पेस में रहते हैं, कि कोरोना वायरस से संबंधित कोई बात करता है, कोई अगर अपनी तरफ से बोलता है या किसी से पूछता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स भी
आ रही है। इसके अलावा एक और खबर है उत्तर प्रदेश से, अब लॉकडाउन और कोरोना ये बड़ा अभी देख रहे हैं हर भारतीय से जुड़ गया सा जैसा शब्द है। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया से खबर है हमारे पास कि वहां पर एक बच्चा हुआ उसका नाम लॉकडाउन रख दिया गया है, एक बच्ची हुई है उसका नाम कोरोना रख दिया गया है। तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो थोड़ा सा जो गंभीर माहौल है, संकट का माहौल है, उसमें थोड़ा सा फन भी पैदा करती हैं। फिलहाल कोरोना से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।